हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ वीडियोस शूट किए हैं मैंने, जब हम घर पे गए थे तो क्या क्या हुआ था शूट किए हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आप लोगों ने वो वीडियो शेयर नहीं किए। दरअसल बात ये है कि आप लोगों में से ही बहुत सारे दोस्त ने कहा था कि वीडियो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आप पे ट्रस्ट है। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि कुछ कमेंट आ रहा है कि आप लोगों ने कहे थे शेयर करेंगे लेकिन किए नहीं, तो हम शेयर कर रहे हैं। वीडियो शेयर करिए, पापा वाले वीडियो शेयर करिए करके आप हाँ, लोग कमेंट आ रहा तो है। आप लोग पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप सबसे हम लास्ट में मिलते हैं। बहुत अहम एंड ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है बीमू, और हम जब गांव में रहे थे तो देखिए किस हाल में। और अभी जो आप लोग ये देख रहे हो, बीमू जा रही है, तो गौर से देखिए इस फुटेज को, इस वीडियो को। अभी जो बीमू ये लकड़ी लिए है हाथ में, और ये जो ऊपर छत है, गांव के घर के छत है ये, उसको हम एल्वेस्टर भी बोलते हैं, इसके ऊपर से कुछ उतार रही है। देखिए ये बाटी है, और ये बाटी वहाँ पे पहुँचा कैसे, तो इसके पीछे का कहानी ये है कि पापा जी रात को थाली वाली सहित फेंक दिए थे ऊपर, तो यही उड़ के चल गया था उस छत पे। अब आगे के देखिए। The next day. अब फ्रेंड्स, ये अगला दिन देख लीजिए, मैं बहुत दूर से शूट करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे पापा जी खाना खा रहे हैं, और बाजू में मेरी मम्मी थी, और यहाँ पे देखिए मेरे भाई वहाँ से चुपके से सुन रहा है। क्या सुन रहा है ये आप लोग देखिए। आप लोग शायद साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो जान सकते हैं कि वो लोग क्या चीज़ की बातें कर रहे हैं। मेरे पापा देखिए कितने गुस्से से चिल्ला रहे हैं, हाथ चमका रहे हैं, और देखिए कैसे कैसे मूवमेंट करने वाले, जिससे आपको शायद अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे कैसे गाली दे रहे हैं पापा जी हम दोनों को, मुझे, बीमू को, और मेरी माँ को भी, भाई को, सबको, किसी को नहीं छोड़ते हैं। देखिए कितने गुस्से में है खाते वक्त। जनरली मेरे घर में खाते वक्त ही झगड़े होते हैं। देखिए साइन देख लीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं। मतलब हम कहते ना, गाली सुनेंगे तो कान से खून निकल जाएगा, मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ पे उस गाली का नाम भी नहीं ले सकता हूँ, खुद मेरे को घिन आती है। देखिए कितने गुस्से से बोल रही है, मतलब मेरी माँ की ना जिंदगी, और मैं खुद की जिंदगी कहूँ तो बचपन से लेके जब तक मैं घर में था तब तक की बात कर रहा हूँ, यही सब देख के गुजरी है। हमेशा माँ पे चिल्लाना, माँ को मारना पीटना, हमें मारना पीटना। अगर आप लोगों ने मेरी लाइफ स्टोरी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी बचपन किस तरह से गुजरा है। और देखिए मैं वहाँ से बहुत दूर से ये देख रहा हूँ, और देखिए वहाँ पे पीछे उसी घर पे अभी जो हो रहा है वो मैं यहाँ से शूट कर रहा था। तो चलिए मैं आपको भाई से सुन के दिखाता हूँ। मैं चला जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने ये कहा भाई से, तो देखिए भाई का चेहरा उतर गया, क्योंकि भाई चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे, गांव में रहे, लेकिन पापा की वजह से ये सब होता नहीं। The next day. अगली रात की फुटेज है, वीडियोज है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पापा कुछ लाए हैं बाहर से, और उसको तवे पे फ्राई कर रहे हैं। ये चिकन है, देखिए फ्रेंड्स रात की सीन है ये, रात में सबके लिए खाना पका हुआ था, लेकिन पापा को प्रॉब्लम्स है, उनको तो सिर्फ झगड़े करने हैं, लड़ाई करने हैं, तो वो नहीं खाएंगे घर में खाना। लेकिन ये अभी तो थोड़ा नॉर्मल है कि वो खुद के लिए बाहर से कुछ ला के खा रहे हैं, लेकिन पहले क्या होते थे पता है आपको फ्रेंड्स, वो सबका खाना ही निकाल के फेंक देते थे, खुद भी नहीं खाते थे और घर में किसी को भी नहीं खाने देते थे। जितना सामान होता था पूरा सामान लेते थे और बाहर फेंकते, मतलब खाना का कोई भी इज्जत ही नहीं। तो इस तरह से भी गुजरी है हमारी जिंदगी। The next day. अगली सुबह की फोटेज है ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो। मम्मी जी खाना लेके गए हैं पापा को खिलाने के लिए, नाश्ता है ये, रोटी है, कुछ कटोरी में सब्जी वब्जी है। तो देखिए मम्मी जी कह रहे हैं खाने के, लेकिन खा नहीं रही है। देखिए भाई लेके वापस लेके आ रहे हैं क्योंकि खाए नहीं हैं, और भाई कह रहे हैं कि फिर से पापा बाहर से कुछ लाए खाने के लिए, ये वापस कर दिए, यानी कि आज भी नहीं खाए। The next day. ये आखिरी वीडियो है, आप लोग देख लीजिए, ये अगली रात की वीडियोज़ हैं, मतलब झगड़े शांत होने के नाम ही नहीं। अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, रात की नज़ारा है ये, देखिए आपको वहाँ पे प्लेट, थाली जैसे बोलते हैं हम, खाने का थाली, कटोरी और कुछ रोटी दिख रहा है, ये सारे मेरे पापा जी ने फेंक दिए हैं जब मम्मी जी रात के खाने देने के लिए गई हुई थी। आप लोग यहाँ पर देखिए मम्मी जी वहीं पर बैठी है, और मम्मी के हाथ से थाली लेकर उतना दूर वहाँ पर फेंक दिए हैं। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, खाने की कितनी इज्जत हो रही है यहाँ पे, घर में किसी की इज्जत है ही नहीं। थोड़ा रियल वॉइस सुन लीजिए। यहाँ पे मेरी मम्मी जी कह रही हैं पापा से कि मेरे ज़िंदगी की हंसी, खुशी, सुख, चैन सब तुमने छीन लिए है, और किसी ने नहीं, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और यहाँ पे देखिए इतने कहने के बाद माँ जी प्लेट उठा के यहाँ से चली गई, और जो यहाँ पर रोटी था उसे बकरे के पास, मतलब बकरी देख रहे हैं आप लोग, जितने बकरी है उसके पास रख दिए। और वहाँ सुहाना देखिए बच्चा के साथ खेल रही है, मतलब बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। और देखिए ये रोटी,
यहाँ पर देखिए, ये रोटी यहाँ पर रख दी है, अभी ये बकरी सब खा लेंगे क्योंकि वो खाने लायक है ही नहीं। तो देखिए ना फ्रेंड्स, आप लोग कि कैसे कैसे क्या क्या करते थे पापा। ऐसा नहीं कि हम ही गए थे तो ऐसा हुआ था, हम जाते हैं तो कुछ ज़्यादा होता है, हम नहीं भी रहते हैं तब भी मेरी माँ को हर दिन और मेरे भाई को हर रोज़ इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। बात रही अभी की, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे जब मैं गया था घर पे पूजा करने के लिए, जिसमें मेरा शुद्धिकरण भी हुआ था, वो बाल कटवाया था, वो सारा वीडियो देखे, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि मेरे पापा जी मुझे धोती पहना रहे थे। तो देखिए इसके पीछे का राज क्या है। हमारे गाँव का एक लड़का है जिसने क्या किया कि हम दोनों यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं और एप्लीकेशन पे, तो उनके बारे में बता दिए मेरे पापा को कि विकास जो काम कर रहे हैं उसमें वो लाखों रुपए कमाने वाले हैं महीने के, और आप इस तरह से उनसे उनको झगड़े करते हो, गालियाँ देते हो, लड़ाई करते हो, घर से निकालते हो, आनंद देते हो, ऐसे वैसे करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, कल जाके वो बहुत पैसे कमाएंगे तो फिर आपको शायद हो सकता है कि ना दे, ऐसा वैसा उन्होंने कहा मेरे पापा को। तो मेरे पापा को लगा ये कि हम लोग लाखों महीने कमाएंगे, लाखों के महीने कमाएंगे और घर में कमा के देने वाले हैं। तो इसके वजह से इस बार जब हम गए थे गांव तो कुछ वैसा नहीं किया। पापा जी बहुत अच्छे से रह रहे थे ना? हाँ, कुछ दो ऐसा दिन रहे हम लोग घर में, बट दो दिन में एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, हल्ला होली हमको सुनने को नहीं मिला। और इसके पीछे का जो हमको रीजन पता चला तो हम बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी, इतना दुखी हो गए कि मतलब ये तो सेम टू सेम किसी मूवी की तरह हो गया। किसी मूवी में आप लोग देखे होंगे, पुरानी मूवीज में, पुराने जमाने के मूवीज हुआ करता था ऐसा कि कोई सास ससुर हो या कोई हो तो अपने मतलब जो हीरो हीरोइन होते थे उनसे प्यार करने लगते थे, उसके पीछे कोई रीजन होता था और वो रीजन एक्चुअल में होता ही नहीं था। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि मैं तो लाखों का महीने कमाता नहीं हूँ, मुश्किल से उतना कमाता हूँ कि हमारे पेट चल जाता है, तो फिर अपने खाऊं, इनकी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाने वाला हूँ, सुहाना के एडमिशंस, इनके इलाज में, सबके इलाजों में, तो कहाँ से दे पाऊंगा मैं पैसे। और ये बहुत जल्द ये खुलासा होने वाला है मेरे घर में, क्योंकि मेरे पापा बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक महीने होंगे, डेढ़ महीने होंगे, मेरे माँ से ही पूछेंगे पैसे दे रहे, कितने दे रहे महीने के कमा के, अब बोलेंगे कि नहीं दे रहे हैं, तो फिर से वही सीन शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुखी वाली बात है कि जो ये शांत है और शांतिपूर्वक व्यवहार है, इसके पीछे का जो कारण है वो तो एक्चुअल है ही नहीं, हम लाखों के मेहनत तो कमाते हैं ही नहीं। अगर हम लोग 50,000 भी कमाते तो 25 देते थे और 25 अपने पास रखते, ताकि कुछ तो देते तो शायद कुछ होता। तो फ्रेंड्स ये है मेरे घर की कहानी एंड ये वीडियो थी हमारी लास्ट। मैं पढ़ लिख के जब कमाऊंगी तो मैं दूंगी पापा को, और ये मेरे पापा के ऊपर लास्ट वीडियो था। इसके बाद कुछ भी होगा तो शायद मैं वीडियो ना बनाऊं उनके ऊपर, और बड़ी घटना कर देंगे तो आप तो यूट्यूब फैमिली हो तो शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे अब नहीं बनाऊंगा पापा के ऊपर, कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। यही था कि कुछ लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि हम भी किसी और की तरह ही फेक हैं, बोल रहे थे कि पापा के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो, अगर सच बोल रहे तो दिखाओ कुछ ऐसा, पापा जी क्या कर रहे हैं, ऐसे करके कमेंट करते थे, ऐसे कमेंट करते थे, और एक दो लोगों का नाम भी लेते थे कमेंट में कि तुम भी उन लोगों की तरह हो, फेक हो, सिर्फ बोलते हो, कुछ दिखाते तो है नहीं प्रूफ के नाम पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रियल हैं, हम दिखाना और नहीं चाहते, हम रखे थे बट हम दिखाना नहीं चाहते थे, बट सोचे कि आप लोग YouTube फैमिली हो तो फैमिली हो, शेयर कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हम रियल हैं, जो जो बताए हैं वो झूठ नहीं है। और सबसे पहली बात मैंने आपको ही बताया है फ्रेंड्स कि मैं आपसे चलिए झूठ बोल लूंगा, चलिए आप लोग को जो दिखाऊंगा वीडियो में आप लोग वही दिखोगे, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला उनको तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उनको तो किसी ना सबूत की जरूरत है, ना किसी चीज की, ना किसी की गवाही की, वो तो सब जानते हैं ना। और हम ये बहुत मानते हैं भगवान को, हम कहते हैं कि हम उनके घर जब जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे कि क्या करके आए हम धरती पर से। तो फ्रेंड्स, माता पिता को आग हम नहीं लगाएंगे, उनकी उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, बस हम आपको तो ये बता रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह मतलब हमारे डेली लाइफ व्लॉग है, चैनल है ना, तो हम आपसे ये सिर्फ शेयर किए हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, हम हमें किस किस चीज़ों की सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है और हम कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ परेशानियों में डिमोटिवेट हो जाते हैं या जानते हैं ना दुनिया को छोड़ भी देते हैं, ऐसे भी फैसले ले लेते हैं। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि ऐसे पापा होते ही नहीं है। हाँ, नहीं होते हैं पापा ऐसे, क्योंकि आप लोग देखे नहीं हो ना, आपने नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं लगता ऐसे होते हैं, लेकिन जो देखे हैं उनको पता है ना, तो हम तो उन्हीं में से कि हम तो देखे हैं, हम तो भोगते आए हैं। हम ये कहें कि हम 21 साल तक हम इस प्रेशर में जिए हैं
कि पापा क्या करेंगे, पापा आगे क्या करने वाले हैं, अब क्या कर देंगे, मेरी माँ को क्या करेंगे, मुझे क्या कर देंगे, मेरे भाई को क्या कर देंगे, इससे जीते आए हैं। और जब हमें घर से निकाल दिए हैं ना, तो जब बाहर रहते हैं तो हाँ तकलीफ तो है, बहुत तकलीफ है, लेकिन एक चीज़ मिली है हमको, वो है थोड़ा बहुत शांत रहते हैं यहाँ पे। दिल से कहता हूँ आप सब यूट्यूब फैमिली है हमारी, इसमें कई माताएँ हैं, कई पिता समान के लोग हैं, चाचा चाची है, भाई है, बहन है, दोस्त है, बंधु यार, बहुत लोग यहाँ पे हमको मिले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमसे जुड़े, हमें दिल से सपोर्ट किए। और जब हम आप सबसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं वीडियो कॉल पे, तो कई बार हमको माताएं से बात करने को मिलते हैं, जो कि आशीर्वाद देते हैं, बच्चा आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं। तो दिल से महसूस होता है कि हाँ, दिल में, किसी के दिल में घर बना पाए हैं हम। किसी के दिल में घर बना पाना फ्रॉड करके तो नहीं हो सकता है ना फ्रेंड, रियलिटी होता है ना, फ्रॉड दिख जाता है। चाहे कोई कितना भी एक्टिंग कर ले, कितना भी वो कोशिश कर ले कि वो कुछ और बना के दिखाए, लेकिन रियलिटी दिख ही जाता है, बस देखने की नज़र होनी चाहिए। इतना ही कहेंगे, ऐसा कमेंट ना करें कि हम लोग गलत बताए थे, आज आपको सबूत भी दे दिए। फ्रेंड्स, हमने क्यों वीडियो अभी तक शूट नहीं किए हैं, तो अभी हम सबसे पहले सोने जा रहे हैं, मतलब कुछ तबीयत खराब लग रहा है, तो अभी कुछ वक्त के लिए सोने जा रहे हैं। उसके बाद जब उठेंगे तो अगर मूड सही रहे तो हम क्यों वीडियो शूट करेंगे, तो आप लोगों को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा क्यों वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं क्यों वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते लव यू ऑल।